जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आईफोन 15 जो है वो लॉन्च हो गया है सभी जगह। जर्मनी में जो है वो आज ही लॉन्च हुआ है 22 तारीख को। एंड मैं आप लोगों को यहाँ पर प्राइजेस बताती हूँ, यहाँ का स्टोर कैसा है वो बताती हूँ। एक वीडियो ऑलरेडी बनाया था हमने, जिसमें हमने म्यूनिक जर्मनी का एक स्टोर बताया था जो बिगेस्ट स्टोर है। उसके अलावा एक और स्टोर है जो कि ओलंपिया पार्क में, ओलंपिया आइनकॉफ सेंट्रम में है। सबसे पहले मैं आपको ओलंपिया पार्क के ड्रोन शॉट दिखाती हूँ। वो इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ओलंपिया पार्क जो है वो 1972 में जो ओलंपिक समर गेम्स हुए थे उसके लिए ये पूरा पार्क बनाया था, और इसमें बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, बहुत सुंदर पार्क है। तो पहले वो ड्रोन शॉट देखो और फिर वीडियो में आते हैं। बैक टू वीडियो। पार्क में और ओलंपिया आइनकॉफ सेंट्रम जो है वो एक मॉल है, उसके अंदर है ये एप्पल स्टोर। ये एप्पल स्टोर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। आई डोंट नो अभी आईफोन 15 का यहाँ पर कैसा बस चल रहा है, लोग एक्साइटेड हैं या नहीं देखने के लिए, बट मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि न्यू कलर्स कौन से आए हैं, न्यू फीचर्स कौन से ऐड हुए हैं, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो शायद आप लोगों के लिए भी होगा कि प्राइजेस कितना है और इंडिया से महंगा है या सस्ता है। अब आपको प्राइजेस कंपैरिजन करने के लिए, ऑफकोर्स बिकॉज वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होगी ऐसा मुझे लगता है, वैसे तो हम जाके देखेंगे, तो मैं आपको वेबसाइट पे बता देती हूँ क्या है। तो जैसा कि क्रेज़ हर जगह है, सेलिब्रिटीज़ भी पोस्ट कर रहे हैं और आई थिंक सभी लोग पोस्ट कर रहे हैं विदाउट पेड प्रमोशन। बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ और बहुत बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो आईफोन का प्रमोशन कर रहे हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि म्यूनिक जर्मनी का कैसा माहौल हो रहा है, यहाँ पर भी सेम ही तरीके का एनवायरनमेंट है या नहीं है। तो चलो मेरे साथ जल्दी जल्दी। जो मॉल है ये देखो, ये मॉल है और ऊपर जो है वो एप्पल स्टोर है जो ऊपर दिख रहा है, और नीचे जो है वो रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं। इस तरीके के मॉल ही होते हैं जर्मनी में। देखो जैसे ये यहाँ पर 13, 14, 14+ खाली दिख रहा होगा काउंटर, जहाँ जहाँ 15 है वहाँ पर काउंटर फुल है। जैसे यहाँ सामने 15 है तो यहाँ पर काउंटर फुल है। और अगर आपको अपना पुराना फ़ोन देके नया लेना है तो वो भी आप इनसे इंक्वायरी कर सकते हो या ऑनलाइन भी हो जाता है। मेरे को आप लोगों को बताना था कि आईफोन प्राइजेस कंपैरिजन बिटवीन इंडिया एंड जर्मनी, क्योंकि बहुत बार आप लोग पूछते हो कि प्राइजेस कंपैरिजन क्या है, हमें इंडिया से आईफोन लेना चाहिए या जर्मनी में, बिकॉज आईफोन 15 जो है वो लॉन्च हो गया है और हम लोग देखने गए थे। आई रियली लाइक द कलर्स, कलर्स बहुत ही ज़्यादा सटल हैं। ऑफकोर्स वो लोग बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं अबाउट द टाइटेनियम और ये और वो तो चलो एक बात हो गई, बट सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ होती है कि स्टूडेंट्स को जो है वो फ़ोन यहाँ से ख़रीदना चाहिए या इंडिया से ख़रीद के लाना चाहिए। बिकॉज मैं जिस दिन लॉन्च हुआ था उसी दिन जाके चेक किया था और इंडिया के भी प्राइजेस जो हैं वो चेक करे, तो मैंने सोचा मैं आपसे जो भी मैंने रिसर्च करी है वो बता देती हूँ और आपको डिफरेंस बता देती हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा शॉक हो गई देख के कि एक्चुअली बहुत ज़्यादा डिफरेंस है किसी किसी फ़ोन में। ऑफकोर्स कुछ मॉडल्स में जो है वो इतना डिफरेंस नहीं है, बट कुछ मॉडल्स में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। जैसे आईफोन 15 जो है वो इंडिया में अराउंड 79,900 से स्टार्ट है, वो सेम जो है वो जर्मनी में 949 यूरोज़ का है, उसमें डिफरेंस कुछ 3,859 आज के कन्वर्जन रेट
रेट के हिसाब से लाइक 88 कुछ यूरो चल रहा है, मतलब अगर हम कंपैरिजन करें तो कुछ 3859 का जो है वो डिफरेंस है, जो इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन अब हम आईफोन 15 प्लस की बात करें जो कि 89900 का है इंडिया में, यहाँ पर 1099 का है और उसमें कुछ 7000 का डिफरेंस आ रहा है। 7000 इज़ ऑल्सो अ बिग अमाउंट। नाउ जब मैंने आईफोन 15 प्रो चेक किया, आईफोन 15 प्रो में जो है वो इंडिया में 1,39,900 का है, जो काफ़ी महंगा है, और यहाँ पर 1,199 यूरो का है, तो अराउंड 34,000 का डिफरेंस है, जो कि बिग अमाउंट है, राइट। और 15 प्रो मैक्स की बात करें तो इंडिया में 1,59,256 GB का है, यहाँ पर कुछ 1,449 यूरो का है, डिफरेंस 32,000 को है। तो अगर आपको ख़रीदना है 15 प्रो या 15 प्रो मैक्स, 256 GB का ही ख़रीदना है, तो 34,000 और 32,000 का डिफरेंस है, जो बिग डिफरेंस है, राइट। और अगर मैं 1 TB की बात करूं 15 प्रो मैक्स, तो ऑलमोस्ट 2 लाख का है, इंडिया में बहुत ज़्यादा महंगा है, यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा महंगा है, 1,949 यूरोस का है, अराउंड 27,000 का डिफरेंस है, विच इज़ ऑल्सो बिग बिग डिफरेंस। बट इसके अलावा एक चीज़ मैं और बताती हूँ, जो स्टूडेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं या जो न्यू इमिग्रेंट्स जो हैं वो जर्मनी मूव करने वाले हैं, एक तो यहाँ पर फाइनेंसिंग ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, लाइक आप कोई भी नेटवर्क प्रोवाइडर होते हैं जैसे वोडाफोन हो गया, 1 to 1 हो गया, ऐसे बहुत सारे होते हैं, उनसे अगर आप सिम प्लस इसका लेते हैं, फ़ोन एंड सिम लेते हैं, तो आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ता जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट चलता है फॉर अ लाइक आप जो भी यूज़ कर रहे हो फ़ोन का सिम जो यूज़ कर रहे हो पर मंथ, वो 20-30 यूरोज़ होता है, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाता है। ये मान लो कि आप जो भी नेटवर्क प्रोवाइडर यूज़ कर रहे हो पर मंथ, वो ऑलमोस्ट आपका फ्री हो जाता है, तो आप कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। प्लस अमेज़ॉन वगैरह में और भी अगर आप एप्पल स्टोर पर भी देखो तो 0% फाइनेंसिंग में ऑप्शन अवेलेबल है। दैट मीन्स अगर आप पर मंथ कुछ पे भी कर रहे हैं, लाइक इट स्टार्ट फ्रॉम लाइक EMI स्टार्ट फ्रॉम 29 यूरोस, इट्स ऑल्सो 59 यूरोस, 79 यूरोस, कितने कितने टाइम में लोगे, तो आप 0% फाइनेंस करा सकते हो, तो आपको एक्चुअली बहुत ज़्यादा पे नहीं करना पड़ता और पर मंथ आप इतना पे कर सकते हो, तो ये बहुत अच्छे ऑप्शन हैं यहाँ पर। और सिर्फ एप्पल स्टोर पे नहीं बल्कि मीडिया मार्ट हो गया, मीडिया मार्ट में भी ये ऑप्शन अवेलेबल होता है। इसके अलावा बाकी के जहाँ पर भी मतलब प्रोवाइडर जो भी सेल करते हैं एप्पल प्रोडक्ट्स, उन सब में आपको मिल जाता है, अमेज़ॉन और ऑनलाइन भी मिल जाता है। आपको अपग्रेड करना है तो अपग्रेड ऑप्शंस भी ऑफ कोर्स सब जगह अवेलेबल होते हैं। जैसे मेरे पास 12 प्रो मैक्स है और अभी 14 प्रो मैक्स है, मेरे पास 2 एप्पल प्रोडक्ट है, तो मैंने जब 12 प्रो मैक्स 256 GB का एक्सचेंज कराने का लाइक अपग्रेड कराने का देखा, तो इट इज़ गोइंग फॉर अराउंड 500 यूरोस, ठीक है। और अगर मैं 14 प्रो मैक्स जो है वो दूंगी तो इट इज़ गोइंग अराउंड 750 यूरोस और 800 यूरोस, तो अच्छे प्राइस पे जा भी रहा है। बट अभी मैंने अपग्रेड करने का सोचा नहीं है, मैं दीपक को गिफ्ट करने वाली हूँ, तो आप बताना आपको कौन से जो कलर हैं सबसे अच्छे लग रहे हैं, तो हम उसका अनबॉक्सिंग करेंगे। दीपक को गिफ्ट कर रहे हैं तो वो चीज़ दिमाग में रखना कि पिंक गिफ्ट नहीं कर सकती, बट आपका कौन सा फेवरेट कलर है आईफोन 15 में वो कमेंट करना। अगर आप भी आईफोन ख़रीदने का सोच रहे हैं इंडिया से या जर्मनी से, तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर लिया, जर्मनी में एक्चुअली बहुत सस्ता है देन इंडिया से, तो आप इंडिया में ना ख़रीद के यहाँ पर ख़रीद सकते हो, और बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं। अगर आपका कुछ भी और जैसे डाउट्स वगैरह हैं तो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ में नहीं जाती, जस्ट मैं आपको प्राइस कंपैरिजन बताना चाहती थी। अब हम चलते हैं डायरेक्टली स्टोर पे और स्टोर पे बाकी की चीज़ें आप लोगों को बताती हूँ। तो जैसा कि सारे देशों में लोग जो है वो आईफोन 15 के लिए पागल हो रहे हैं, एटलीस्ट आईफोन की जो जनता जिन्हें बहुत अच्छा लगता है, वैसे जर्मनी का भी सेम ही हाल है। एक स्टोर जो है वो ऑलरेडी हमने आपको दूसरे वीडियो में दिखाया था, जो कि मेन बहुत बड़ा स्टोर है जो कि सेंटर ऑफ म्यूजिक में है मैरिन फ्लैट्स पे। अदर स्टोर जो है वो यहाँ पर है, पीछे आपको भीड़ दिख रही होगी। जो लाइन में लोग लगे हुए हैं वो आईफोन 15 देखने के लिए नहीं लगे हुए हैं, जबकि उन्होंने ऑलरेडी बुकिंग कर रखी है, वो सिर्फ खरीदने के लिए लगे हुए हैं। तो अभी वो लोग अपना जो भी उनके फ़ोन जो है ऑलरेडी बुक किया होगा वो खरीदेंगे, उसकी लाइन देखो आप कितनी लंबी है। तो हाँ,
लोग आ गए हैं। प्राइजेस मैंने आपको बता दिए कौन कौन से ऑप्शंस हैं जो आप यहाँ पर ले सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए शायद इम्पॉर्टेंट होगा अगर वो आ रहे हैं कि आईफोन जो है वो उन्हें इंडिया से ख़रीदना चाहिए या यहाँ। पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बताया था कि आईफोन प्राइजेस यहाँ पर 10 to 15,000 जो है वो कम होते हैं जर्मनी में इंडिया से। सेम ही केस जो है वो इसमें भी है आईफोन 15 में। तो ऑफ कोर्स आप यहाँ से ले सकते हो, प्लस यहाँ पर और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं फाइनेंस कराने के, तो वो भी आप करवा सकते हो जैसा कि हमने बताया, और अपग्रेड भी कर सकते हो, लाइक अपना पुराना फ़ोन देके नया फ़ोन ले सकते हो कुछ यूरोज़ देके। बाकी मुझे पिंक कलर सबसे अच्छा लगा मेरे लिए, आपको सारे कलर्स में कौन सा अच्छा लगा वो बताना। एंड होप यू लाइक दिस वीडियो। और आप ने भी अगर आईफोन ख़रीदा है, ख़रीदने की सोच रहे हैं, तो कितना पैसा आप खर्च कर सकते हो, लाइक इट्स लाइक जैसे पहले भी हमने बताया था कि किडनी बेचने से भी महंगा हो गया है अब आईफोन ख़रीदना, इट्स द सेम केस नाउ। यहाँ पर भी हमें महंगा ही लगता है आईफोन 15। तो ऑफ कोर्स लोग जो है वो एक्साइटेड थे जैसा बताया, लाइन में खड़े हुए थे सिर्फ अपना फ़ोन उठाने के लिए। बाकी बहुत सारे लोग, हम जैसे लोग सिर्फ देखने गए थे, जो अभी मन बनाएंगे कि यार फ़ोन ख़रीदना है या नहीं ख़रीदना है, इतना पैसा जो है वो खर्च करना है या नहीं। खर्च करने से पहले सेविंग करनी पड़ेगी ऑफ कोर्स। बाकी होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में जर्मनी के बारे में। बाय बाय, टेक केयर।